लाइव चला रहे हैं। हाँ दोस्तों, हम और विवेक मंदिर परिसर में आ चुके हैं और चूंकि आज ना मंगलवार है ना शनिवार है, इसलिए यहाँ पर भीड़ भी कम थी, तो हम लोगों को इतनी भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। पर हम नाश्ता करके नहीं आए तो आपको नाश्ते में यहाँ पर पोहे वगैरह भी खाने को मिल जाएंगे। और अपने बच्चों के साथ आए हैं तो बच्चों के लिए ट्रैक्टर वैक्टर हैं, तो देख लिए जो भी लेना चाहे सब मिल जाएगा। यहाँ पर सिंदूर मिल जाएगा, जामफल वगैरह लेना चाहे और केले वाले लेना चाहे वो भी मिल जाएंगे। और लेडी चूड़ी वूड़ी से लेके हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा आपको। सीताराम सीताराम ये देख सकते हैं, यहाँ पे हवन कुंड बना हुआ है। तो आप शादी वगैरह की पूजा कराने आना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका हवन वगैरह हो जाएगा। पसंद ले लिया राम नाम से पूरा मंदिर गूंजता हुआ। आप कोई कह रहे हैं आज हमसे पूछते हैं कुछ, तो ये अंकल जी आपको मंदिर हुआ के बारे में कुछ बताएंगे, उनसे पूछते हैं। चलो आपकी फोटो आएगी, आप सीधे लाइव आएंगे। आप धंधर हुआ, आप कहाँ से आए हैं? ब्रखड़ी से आए हैं जी। तो आप धंधर हुआ धाम कब से आ रहे हैं? धनुआ धाम आ रहे हैं करीब करीब 30 साल से। 30 साल हो गए आते आते आपको। तो आपको यहाँ पे आके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे आके। डोरी लंबी करो। जैसा कि आपने बताया कि आपको यहाँ पर सुकून मिलता है, तो आपकी मनोकामना वगैरह भी कुछ पूरी हुई होगी? हाँ, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अच्छा, जो आप दिल से मांगते हो जरूर पूरा मिलता है, बिल्कुल मिलता है। अच्छा, तो इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए, यहाँ पे लोग क्यों आए और किस तरह से आ सकते हैं? सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, पहली बात तो। अच्छा। जो भी मांगते हैं बीमारी के लिए तो ऐसे हैं हनुमान जी महाराज के, मांगो और तुरंत ठीक। अच्छा। हाँ, डॉक्टर हैं, डॉक्टर के नाम से ही जाने जाते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत ही अच्छी विशेषता है, बहुत अच्छे बड़े बड़े प्रोग्राम होते रहते हैं यहाँ पे। बताते हैं कि कोरोना टाइम पे जो भी यहाँ पे आते थे कोरोना कुछ सब नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं, हम भी कोरोना से ग्रस्त हुए थे, लेकिन यहाँ पे हमने मांग की तो आए, तो फेरी थी और सही हो गए। अच्छा। यहाँ की बहुत ही अद्भुत महिमा है ना, अद्भुत महिमा है यहाँ की, बहुत ही अच्छी महिमा है। दोस्तों, हम लोग परिक्रमा मार्ग में आ चुके हैं और जैसा कि आज वो है नई नववर्ष, तो आज के दिन जो है परिक्रमा मार्ग बिल्कुल खाली पड़ा है। यूजली ऐसा आपको परिक्रमा मार्ग नहीं मिलेगा, यहाँ पे बहुत ही संख्या में भक्तगणों की लाइन लगी मिलेगी। तो आपको यहाँ पे सुबह से करीब 5 बजे से भीड़ लगना शुरू प्रारंभ हो जाती है, लेकिन आज जो है बहुत ही कम लोग आए हुए हैं यहाँ पे। और हम आ चुके हैं मंदिर के पास, अभी आपको दिखाते हैं। ये आ गए मंदिर परिसर में हम, और अभी आपको हनुमान जी दर्शन कराएंगे। Thank you.
ये है डॉक्टर नमन जी। अरे यार बेका कर रहे हैं उनको है? हनुमान जी मंदिर के सामने ही सीताराम जी का मंदिर है। चलो कहाँ चल रहे हैं वेब दोस्तों, देख सकते हैं आप, राधा कृष्ण का मंदिर बना हुआ है। अभी राधा कृष्ण की प्रतिमा को ढक के रखा गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आपको भी हो रहे हैं। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। तब देख परिक्रमा कर ले, परिक्रमा परिक्रमा नहीं करिए पन्ने वे। वो और बनाएंगे, वो चक्र बनत नहीं है। हाँ, संकट चक्र बढ़िया चलन देव, कोई दिक्कत नहीं। देख सकते हैं दोस्तों, हनुमान जी का गधा रखा हुआ है। जो भी निरंतर चलता रहता है, देख सकते हैं। मंदिर दर्शन करने के बाद अब हम थोड़ी देर में भंडार खाने के लिए भी जाएंगे। पाँच से दर्द दो आज खाए तो हम खाएंगे। देखिए
हजारों श्रद्धालु जो है भंडारा खाते हैं प्रतिदिन। दोस्तों आपको चक्कर लेके चलते हैं संकट चक्र पर। पहले आप दर्शन कीजिए भगवान शिव के। ये देखिए ये शिव जी का मंदिर है। उसी के बगल में अंबे माँ बैठी हुई हैं। ये देखिए ये अंबे मैया हैं और वहाँ चुके हैं संकट चक्र पर। जिसको भी संकट होता है वो पुष्प लेके इस चक्र को पूरा करना होता है। और अब हमारे उपाध्याय जी संकट चक्र को भेदना चाहते हैं, देखते हैं ये कितने हद तक भेद पाते हैं। कहते हैं ये संकट चक्र में बड़ा ही शक्ति होती है, जो इस संकट चक्र से बाहर निकल जाता है भगवान उसकी सारे संकट हर लेते हैं। और ये हनुमान जी का मंदिर तो वैसे भी संकट मोचन हनुमान जाने जाते हैं। जय श्री राम। निकल गए संकट से ये तो बाहर। अखंड क्या क्या लिखा है यहाँ? सिकंदरपुर सरकार कार्यालय है यहाँ पे। यहाँ पे अखंड रामायण सुंदरकांड हवन भजन कुछ भी करवाना हो तो यहाँ से यहाँ की क्या बुकिंग हो जाती है। और यहाँ पे ये बाबा जी बैठे हैं, आज उनसे पूछते हैं कुछ। तो बाबा से पूछते हैं यहाँ की कैसी क्या प्रोसेस रहती है, जैसे हमें भंडारा कराना है बाबा तो कैसे क्या हमें यहाँ पे करवाना पड़ता है? भंडारा तो ऐसा है, जाके जितनी शक्ति और श्रद्धा और रहती है वो भाई साहब से भंडारे होते हैं। तो जाके जितनी क्षमता हो। अच्छा बाबा जी, दिन में कितने सारे वो रामायण की हो जाती है? लोग बैठते हैं कोई एक हजार, चार हजार, दस हजार। तो निरंतर भंडार चलता रहता है यहाँ पे मंगलवार को शनिवार को? हाँ चलता रहता है। हमें ये जानना है कि यहाँ पे रामायण निरंतर चलती रहती है, कितने सालों से चल रही है यहाँ? रामायण तो चल रही है कम से कम नहीं तो 38 साल है रामायण पर यहाँ। अठारह राम चलती है 38 साल हो गए बाबा बता रहे हैं। बाबा आप यहाँ कब से हैं? हम 90 में आ गए थे। 90 में आए जी। इतना यहाँ श्रद्धा कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, 90 से लोग यहाँ से इतना सुकून मिलता है ना हनुमान जी के मंदिर पे। अरे यहाँ तो सब भाई ऊर्जा यहाँ तो मंदिर के बारे में बताइए जी में। जी किन किन बीमारियों को इलाज यहाँ पे होता है, कैसे लोग आ सकते हैं यहाँ पर बीमारियाँ? यहाँ तो सभी हर एक बीमारी का इलाज है। हर एक बीमारी जो बीमारी जो लेके आता है वो ठीक हो जाता है, ठीक होती है हनुमान की कृपा से। यहाँ से इनके चिन्हावत लेने से और सब ठीक हो जाता है। बाबा जी ने बताया कि यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, ऐसा मान्यता है यहाँ पे कि कोई भी बीमारी होती है उसका हल हो ही जाता है। यहाँ कैंसर वगैरह भी सही हाँ सब मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, गुजरात साहब बांधा है, लग रही पूरे भारत में से आदमी में आ रहा है। पूरे भारत में हमारे केंद्र को सरकार हनुमान जी और हमारे डॉक्टर हनुमान जी आ रहा तो विदेश तक इलाज करने के लिए जाते हैं। डॉक्टर हनुमान के नाम से जाने जाते हैं। हनुमान जी की बहुत ही ज़्यादा कृपा है, यहाँ के लोग आते रहते हैं आसपास के। ठीक है बाबा जी, जी राम राम। राम राम। ये यहाँ हवन वो तो आवाज़ आ रही होगी। ये हवन वगैरह यहाँ पे नई नई शादी होती है यहाँ पे हवन कराते, बच्चे वगैरह जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं वो यहाँ पे हवन भंडारा रामायण वगैरह करवाते हैं यहाँ पे आके। तो हम आपको लेके चलते हैं भंडारा परिसर में। यहाँ पे पंडित जी साहब भंडारा ही कर रहे हैं, क्या चल रहा है पंडित जी यहाँ? हाँ भंडारा चल रहा है यहाँ। और ये हवन वगैरह जो हवन कुंडी है ये हवन कुंडी में ये बाहर के लोग आ रहे हैं, रामायण करा रहे हैं और अपनी मनोकामना पूरी हो जाती है। हाँ मनोकामना पूरी हो रही है। आप यहाँ हवन कराते हैं? हाँ जी पंडित जी है, अगर आपको हवन करवाना हो तो करें। क्या नाम है आपको? गुड्डा सिंह। बहुत ज़्यादा
मन नहीं शर्मा ने कहा है काय को शर्मा रहा है कि आज देखेगा मैं टिचू टिचू भर के देख रहा हूं ना टिचू टिचू भर के। हां तो ये देखो ये रहा भंडारा परिसर। यहां पे क्या है, यहां पे खाना बनता है और यहां पर डेली भंडारे होते ही रहते हैं चंद्रगुआ धाम का। ये देखो यहां पे काफी लोगों का खाना बनता है। अभी तो ये अंदर बनता है, छोटा छोटा मोटा यहाँ पे भंडारा होते रहते हैं, यहाँ पे खाना बनता है। यहाँ पे काफ़ी विशाल विशाल भंडारे भी हुए हैं। ये देखो तो मालपुआ सक रहे हैं, यहाँ के फेमस मालपुआ, गोंटा की सब्जी, बूंदी। हाँ जी देखो पंडित जी, जय राम जी। देखो बूंदी भक्तगणों के लिए प्रसाद, मिक्स वेज हलवाई लगे हुए हैं। देखो हलवाई लग रहे हैं, मालपुआ बन रहे, भिंडे के फेमस मालपुआ। और देखो ये दादाजी लगे हैं, आपको मालपुआ दिखाते हैं नज़दीक से कि मालपुआ की प्रोसेसिंग कैसे होती है और कैसे बनते हैं कह सकते हैं। ये देखिए कितनी अधिक मात्रा में यहाँ मालपुआ बन चुके हैं और लगातार बनने में लगे हुए हैं। देखिए ये देखिए कौन से हलवाई, ये भैया पहाड़ी वाले हलवाई जी हैं जो कि कितने अच्छे तरह से मालपुआ बना रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए ये गर्म गर्म मालपुआ निकल रहे हैं और कुछ देर बाद हम इन्हीं मालपुओं खाएंगे जाके और आपको दिखाते हैं हमारे यहाँ का घोंटा। घोंटा कहाँ बना हुआ है, घोंटा कहाँ है, घोंटा रखो, चलो आ जाओ। तो देख सकते हैं यहाँ पर लकड़ी डली हुई है जो कि यहाँ निरंतर भट्टी चलती रहती है और बड़े बड़े भंडारे होते ही रहते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर आप कितनी प्रचुर मात्रा में हरी सब्जियाँ, हरी मिर्ची रखी हुई हैं। ये देख सकते हैं यहाँ क्या खीर बन रही, खीर ये देखिए, ये शुद्ध दूध की यहाँ पे खीर बन रही है। भैया खीर बना रहे हैं जो कि प्रसादी में सभी भक्तगणों को खिलाई जाएगी। उधर देख सकते हैं आप पूड़ी बन रही हैं, यहाँ से आटा तैयार होकर जा रहा है, देख सकते हैं आप आटा मारने के लिए यहाँ पे मशीन भी लगी हुई है। देखिए आप ये देखिए चलो भैया आप दिखा देख सकते हैं यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, संस्कृत पढ़ना चाहते हैं और पंडताई वाली पढ़ाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर आ सकते हैं। ये कॉलेज बना हुआ है आप देख सकते हैं और कॉलेज का आगे विकास भी होता जा रहा है, कॉलेज आगे बन रहा है। आइए आइए आपको इधर सकते हैं कितनी गरम गरम बढ़िया आग खीर आ रही है, ऐसा लग रहा है खीर अभी पीना पूरी मेरे मुझे आई खीर पड़ेगा। खाना से पहले यहाँ पर मन को चढ़ होता है, उसके बाद खाना मिलेगा। और देखो मालपुआ और पूड़ी और देखो बूंदी और खीर संग में, जय श्री राम, जय हनुमान। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वंदे परमानंद माधवा। श्री पुरुषोत्तम संस्कृत विद्यालय में हम सभी लोग विराजमान होकर के आज जर्नी जंक्शन चैनल के माध्यम से सुनने वाले सभी भक्तों को, सभी श्रद्धालुओं को जय श्री राम। और आज हमारे भैया यहाँ पर श्री पुरुषोत्तम संस्कृत विद्यालय ददरुआ धाम पहुँचे हैं, तो आज इनकी ये जर्नी ददरुआ धाम में यहाँ पर रहने वाले ब्रह्मचारियों के बारे में, यहाँ पर पढ़ने वाले आचार्यों के बारे में और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में यहाँ का अवलोकन करने आए हैं। तो यहाँ पर जो है शिक्षा का जो विषय है, तो बालक तो जब शिक्षा लग के लायक होता है तो कब होता है, बोले लालयेत पंचवर्षाणी। लालयेत पंचवर्षाणी मतलब 5 वर्ष तक उसका लालन पालन करो, और ताड़ेत 10 वर्षाणी और 5 से 15 उसको ताड़ना दो, क्योंकि 5 से 15 जब आप उसको ताड़ना दोगे तो उसकी नींव मजबूत हो जाएगी, उसको भय रहेगा अपने माता पिता का। और आजकल हो क्या रहा है कि नई नई जनरेशन में विवाह हो जाता है, फिर 4-5 वर्ष तक जो है पिता की संपत्ति या पैतृक संपत्ति पर रह करके
और आजकल के युवा सब आनंद लेते हैं, और उसके बाद जब धन का या अर्थ का अभाव आता है तब वो जा कर के बाहर सर्विस या नौकरी के लिए जाते हैं, तो वो पीरियड उनका बच्चों के लिए खाली रहता है, कौन सा 5 से 15 वाला, और सबसे ज़्यादा बनने और बिगड़ने वाली उम्र उसी में होती है। क्योंकि आपकी नींव जब तक मजबूत होगी तो कितनी बड़ी भी बिल्डिंग बना दो कभी खतरा नहीं हो, नींव कमज़ोर है तो फिर डॉक्टर फिक्सेड का एक्सेट लगाना या अल्ट्राटेक की सीमेंट लगाना, शक्ति का मजबूत सरिया लगाना, बिल्डिंग मजबूत होने वाली नहीं है। इसलिए कहने का भाव केवल ये की है कि लालेत पंचवर्षाणी, 5 वर्ष तक बालक को खूब लालन पालन करो, ताड़े 10 वर्षाणी और 5 से 15 उसको खूब ताड़ना लगाओ, 16 वर्षाणी जाता मित्रवत समाचरित, और बालक प्यारे जब आपका 16 वर्ष का हो जाए तो ना उसको डांटिए ना फटकारिए, उससे केवल मित्रवत व्यवहार करिए। क्योंकि 16 वर्ष के बाद यदि आपने बच्चे को पहले नहीं डांटा और फिर डांटोगे तो या तो वो कहेगा कि हम घर छोड़ करके जा रहे हैं, हम आत्महत्या कर लेंगे, तो माता पिता अभिभावक ये सोचेंगे कि जैसा है हमारा बेटा सही सलामत हमारे घर पर ही रहे। तो वो डांट जो थोड़ी सी डांट से आपको थोड़ा सा कष्ट होता था, उस थोड़े से कष्ट में आपको जीवन कष्ट में व्यतीत करना है तो बच्चे को ताड़ना नहीं दोगे, और अगर ताड़ना दोगे तो पूरा जीवन आनंद में गुजरेगा। इसलिए यहाँ जो बालक आते हैं वो 8 वर्ष के बालक होते हैं, आइए विद्यार्थियों, 8 वर्ष के बालक होते हैं, 10 वर्ष के बालक होते हैं, 12 वर्ष के बालक होते हैं, 15 वर्ष के बालक होते हैं। तो यहाँ ददरुआ धाम में शिक्षा अध्ययन करते हैं, और शिक्षा कैसी, बोले उदर भरण के विद्या पावो, संसार में सारी शिक्षाएं जो हैं वो उदर भरने मतलब पेट भरने की शिक्षाएं हैं, और वास्तविक रूप से ये शिक्षा जो है ये भगवत कल्याण करने वाली शिक्षा है। और शिक्षा देखो एक पुस्तक होती है, पुस्तक प्लीज पुश हियर, पुश माने होता है धकेलना, किसी ऑफिस के गेट पर जाओ उस पर लिखा है प्लीज पुश हियर, कृपया इसको धकेलो, तो पुस्तक से पुस्तक तक तो जा सकता है बालक, समझ रहे हो आप हमारी बात को, पुस्तक मतलब पुष माने पुस्तक पढ़ करके वो आगे धकेल तो सकता है, लेकिन उस तक उस परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचने के लिए उसको किसी सदगुरु की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए यहाँ गुरुकुल के माध्यम से पूरी शिक्षा दीक्षा गुरुकुल पद्धति से यहाँ पर बालकों को शिक्षा दी जाती है, और यहाँ पर 80 से 100 विद्यार्थी हैं, पढ़ाने वाले 8 आचार्य हैं, और ददरुआ सरकार पूज्य महाराज जी के संरक्षण में ये श्री पुरुषोत्तम संस्कृत विद्यालय दिनों दिन प्रगति कर रहा है, और पूरे आस्था और विश्वास का केंद्र ददरुआ धाम की तरफ से हम आपका बहुत बहुत स्वागत अभिवादन करते हैं, और आपके लिए शुभकामना व्यक्त करते हैं इस 2024 नव वर्ष में, जो इंग्लिश नव वर्ष है, चूँकि हिंदी परंपरा में गुड़ी पड़वा को जो है हिंदू नव वर्ष आता है, अंग्रेजी नव वर्ष है, इसमें भी हम आपको शुभकामना देते हुए और आपके लिए खूब प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आपका ये जन्नी जंक्शन खूब सदमार्ग पर चले, धर्म अर्थ काम मोक्ष और खूब कृपा हनुमान जी की बनी रहे। जय सियाराम, जय सियाराम।